मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेमकुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, आपको सल्यूट करता हूं, मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए, ढेर सारे सुझाव देने के लिए थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, हम हमारे इस प्रोग्राम में हर रोज चर्चा करते हैं आज के राशिफल की, आज के पंचांग की। आज के राशिफल में दैनिक राशिफल होता है, डेली का फोरकास्ट होता है, डेली की हॉरोस्कोप होती है कि आपका दिन कैसा रहने वाला है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, आपके सितारे क्या कहते हैं, क्या उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, कौन सा कलर आपके लिए लकी है, कौन सा नंबर आपके लिए लकी है, उन सभी चीजों की चर्चा करते हैं। साथ में चर्चा करते हैं जो लोग आज के दिन पैदा हुए हैं उनका साल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 19 अगस्त 2020 दिन बुधवार, अमावस तिथि सुबह के 8:10 तक प्रभावकारी रहेगी। तत्पश्चात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी। मघा नक्षत्र रात्रि लेट तक बना रहेगा। प्रिग योग रात्रि 9:12 तक रहेगा, वह उसके बाद शिव योग प्रारंभ होगा। नागकरण सुबह के 8:09 तक रहेगा, तत्पश्चात बालवकरण शुरू होगा। चंद्रमा का संचार सिंह राशि में रहेगा। गंडमूल का योग सारा दिन बना रहेगा, मगर पंचक का योग आज भी नहीं बनता है। राहु काल अशुभ समय दोपहर के 12:25 से लेकर के दोपहर के 2:04 तक। यमगंधम काल सुबह के 7:29 से लेकर के सुबह के 9:07 तक का जो समय है, दोनों समय है। राहु काल यमगंधम काल दोनों ही अशुभ माने जाते हैं, इनके अंदर कोई भी फैसला लेने से परहेज करना उचित रहता है। शुभ घटियों की ऑस्पिशियस टाइमिंग्स की हम बात करें, सुबह 5:56 से लेकर सुबह के 7:24 तक, सुबह के 10:50 से लेकर दोपहर के 12:19 तक, शाम के 5:23 से लेकर के शाम के 7:01 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। पाइसियंस मीन राशि वालों के लिए खास करके बढ़िया रहेगा। दर्शकों, आज अमावस तिथि है, आज की अमावस को पिथोरी अमावस भी कहते हैं, भाद्रपद अमावस भी कहते हैं। अमावस तिथि हमारे पितरों के साथ विशेष नाता रखती है। पितर जिन्होंने, जिनके कारण आज हम इस पृथ्वी लोक का आनंद ले रहे हैं, वो पितर लोक से हमारे से कुछ उम्मीदें रखते हैं। अगर हम उनके नाम की नदी के अंदर डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, नहीं जा सकते हैं, घर में ही कुछ गंगा जल मिला करके, पवित्र जल मिला करके स्नान कर लेते हैं, या किसी सरोवर साहब में जाकर, किसी पवित्र नदी में जाकर के हम स्नान करने के बाद कहते हैं, चार चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। पहले स्नान, जप, तप, दान। जब स्नान करने के बाद जप, तप, दान आप करते हैं, स्नान करने के बाद अगर जप, तप नहीं भी किया तो दान किया नहाने के बाद, तो जो गरीबों को भोजन करवाया, गरीबों को वस्त्र दिए, गरीबों की कोई बीमार है तो रोगियों की अपने जिनको इलाज की व्यवस्था करी, यकीन मानिएगा दोस्तों, आपके पितृगण बहुत प्रसन्न होंगे। अगर पितृगण प्रसन्न होंगे, उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आपके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा रहेगी। जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जब आपके पितर लोग प्रसन्न हैं तो आपके देव लोग भी आपके ऊपर बेहद प्रसन्न होंगे। तो आज पितरों की निमित्त पिंडदान, तर्पण, स्नान, दान की तरफ विशेष तौर पर ध्यान देना बहुत उत्तम साबित होगा। थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन के अंदर बहुत अच्छा बदलाव लेके आ सकती हैं दर्शकों। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो 19 अगस्त किसी भी साल के पैदा हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस यू नॉट ओनली इन दिस ईयर बट थ्रूट योर लाइफ, परमात्मा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।
आपका जो साल जो सूर्य का महीना है लियो इज रूल्ड बाय द प्लैनेट सन एंड 1+9 इज कैरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सन प्लस 9 मींस मार्क 1+9 इज इक्वल टू अगेन 1 सो इट इज कैरिंग द इंपैक्ट ऑफ 3 सन्स एंड 1 मार्स तो उसका मतलब ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज बड़ी गजब की होती हैं और अपना प्रभाव अपना काम कैसे करना अपना काम कैसे करवाना है आकर्षण का मादा जबरदस्त होता है जिसके जिस काम को भी हाथ डालते हैं अगर मन से इन्होंने कोई काम किया तो उसके अंदर सफलता ना मिले ऐसा होता नहीं लग्जूरियस माइंडेड रहते हैं रोमांचकारी नेचर रहती है फन लविंग होते हैं अगर काम कर रहे हैं तो दबा के काम कर रहे हैं फन कर रहे हैं तो दबा के फन कर रहे हैं बस थोड़ा सा इनकी अगर सम्मान को हल्की सी भी ठेस पहुंचे तो वो कदाचित बर्दाश्त नहीं है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं तो इनको थोड़ा सा इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए इनके साथ डील करते हुए कि कहीं इनकी सदस्य तो सबके साथ ये ध्यान रखा जाए कि अभी हर व्यक्ति की ही सेल्फ रिस्पेक्ट मायने रखती है मगर ये लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं रिएक्ट कर जाते हैं और इनको अदरवाइज दोस्त अच्छे खासे बनाने आते हैं दोस्तों का आनंद भी लेना इनको बड़ा अच्छा खासा आता है फिर एक नंबर जो है वैसे सूर्य का नंबर है गॉड हेड का नंबर है रॉयल लोग होते हैं लीडरशिप की क्वालिटीज रखते हैं और इंडिपेंडेंट इनकी नेचर इनको आगे बढ़ने में अपने विचारों को अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से पेश करने में इनकी मदद भी करती है यह साल आपके लिए कैसा रहने वाला है कुल मिलाकर के अगर इस साल को अगर हम देखते हैं जो ग्रहों की पोजीशन है आपके लिए भले ही सेहत की तरफ थोड़ा सा ग्रह इशारा करते हैं कि ध्यान अपना हेल्थ के प्रति जरूर केंद्रित करके रखेगा मगर फिर भी बीच बीच में कुछ ना कुछ कभी जो कॉन्स्टिपेशन होने या पेट का कोई पार्ट ऐसा प्रॉब्लमेटिक होना स्टमक से रिलेटेड इश्यूज होने या कभी कभी बैक या नेक का इश्यू होना कुछ ना कुछ मीठे मीठे इश्यूज आपको तंग करेंगे जो कि मैनेजेबल होंगे आपकी अटेंशन से आप उन परेशानियों से बचाव अपने आप को कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी का रूटीन रखिएगा अपना मेडिटेशन योगा से बेफालतू की चिंताओं से आपको राहत मिल सकती है मातृपक्ष से इस साल के अंदर कोई खुशखबरी मिलेगी अपने परिवार के अंदर कोई अहम फैसला अपने परिवार के साथ मिलकर के ले पाएंगे आप अपने परिवार को कोई बेहद खुशी दे सकते हैं आपके अपने परिवार के लिए कोई बहुत अच्छा कार्य आप कर सकते हैं आपकी कोई जॉब लग सकती है या आपकी जॉब के अंदर तरक्की हो सकती है जॉब से रिलेटेड एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं अगर आप किसी लॉ के प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं क्राइम के प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं या रेवेन्यू के किसी डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं या पुलिस फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं आप अपने समय का बहुत अच्छा लाभ ले पाएंगे इवन कंसल्टेंट्स के लिए ये समय बहुत बेहतर साबित होने वाला है ये साल जो आपके लिए जो 19 अगस्त को पैदा हुए हैं वो अपने समय का बेहद अच्छा लाभ करियर को लेकर लेन देन के मामलों को लेकर के क्योंकि पैसे का फ्लो बढ़ेगा अच्छी चीजों पे खर्चे करेंगे लेन देन के मसलों को आप निपटा पाएंगे घर में किसी की शादी हो चुकी थी संतान नहीं हो रही थी संतान हो जाएगी किसी की शादी होने वाली तो शादी हो जाएगी इवन अपने आप को लेकर के भी खुशी आने के योग हो सकते हैं भले वो काम को लेकर के हो या पर्सनल लाइफ को लेकर के हो प्रेमी युगलों के लिए वंडरफुल टाइम रहेगा एंड फॉर सम बहुत अच्छे रिश्ते शुरू होने के योग बनते हैं तो दर्शकों आपके लिए जो समय है कुल मिलाकर के आप मान करके चलिएगा कि 6 फरवरी के बाद चीजें काफी बेहतर तरीके से बेटर मूवमेंट की तरफ जुड़ेंगे आगे जो 14 जुलाई तक का जो समय रहेगा बेहतर मुकाम पैदा करने वाला होगा यस इस साल के अक्टूबर के महीने के अंदर कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है जिसके अंदर कोई बहुत अच्छा फैसला आप ले सकते हैं जिसके अंदर धीरे धीरे थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे फरवरी ऑनवर्ड्स आपका समय काफी बेहतर रहेगा फरवरी और मई के महीने आपके लिए बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो सकते हैं इस साल के अंदर आपको क्या करना होगा किसी भी गौशाला के अंदर गुड़ का दान देना आपके लिए कल्याणवर्धक साबित होगा अपाहिज लोगों को क्रिपल्ड लोगों को भोजन की व्यवस्था करने या वृद्ध आश्रम में जो वृद्ध लोग हैं जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए मदद करने आपके लिए इस साल के अंदर बहुत बहुत कल्याणवर्धक साबित हो सकती है
बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। हरी चीजों का दान किया जाए, हरी दाल का दान दे दिया, हरी सब्जी का दान दे दिया, किसी गरीब जरूरतमंद को दे दिया, बहुत फायदा होगा। कोई आप ऐसी चीजों को दान दीजिए जैसे होता है कि भी गरीबों को भोजन, बैगर्स को ना कराया जाए, जो प्रैक्टिकली फिजिकल लेबर करने वाले जो लोग हैं, किसी भी गरीब व्यक्ति जिसके लिए कमाई का, पैसे का लगता है कि बहुत कमाना कितना कठिन काम है, उस गरीब की मदद करी हुई सचमुच बहुत काम आएगी। इस साल के अंदर आप कहीं ना कहीं अगर पॉसिबल हो सके, सड़क पे कोई गरीब बच्चे घूम रहे हो, नंगे पांव घूम रहे हो, आपको लगता है कि बहुत गरीब परिवार को करते हैं, चप्पल या जूते की व्यवस्था करना आपके लिए बहुत बहुत कल्याणकारी साबित हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आपके लिए इस साल के अंदर जूता लेना देना मना ही ना हो। अब बात करेंगे सभी राशियों की। सबसे पहले बात करते हैं एरीज मेष राशि वालों के लिए आज का राशिफल। सेहत सुधरेगी, माइंड के अंदर बड़े अच्छे विचार आएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, प्रोफेशनल पार्ट इंप्रूव करेगा, जॉब है तो जॉब के अंदर बेहतरी हो सकती है, बिजनेस है तो बिजनेस के दायरे मजबूत हो सकते हैं, परिवार का कोई मेंबर विशेष खुशी का कारण बन सकता है, विदेश से मिल सकते हैं शुभ समाचार, भूमि से संबंधित कोई कार्य होने के योग बनते हैं। बस लेन देन के मामलों में जल्दबाजी कदाचित ना करें। चांदी की डिब्बी में चावल भर के घर में नॉर्थ डायरेक्शन में चांदी के ढक्कन से ढक के रख दीजिएगा। अब बात करेंगे टॉरियंस वृषभ राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, कहीं से बहुत अच्छा संदेश आ सकता है, जो काम में प्रयास करेंगे वो काम सफलता की तरफ दौड़ेगा, जो मेहनत आप करेंगे दिखाई देगी, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स लेके आएगी, काम के जरिए बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपके बनने की संभावना भी बनती है। कोई अगर किसी गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के साथ परेशानी चल रही थी, उसके समाधान मिलने के भी जबरदस्त योग हो सकते हैं, भले ही खर्चे बढ़ेंगे मगर सेहत के अंदर भी सुधार होगा, मनोबल, गट फीलिंग, इंट्यूटिव पार वो भी स्ट्रांग होगी, एंड शाम को बेहतर बनाने के प्रयासों में आपके किसी दोस्त मित्र या प्रेमी का अच्छा हाथ रहेगा। पीली दाल, पीले लड्डू और पीले फल प्रभु के चरणों में फूल चढ़ा दीजिएगा, बाकी दाल टच करके फल और दाल किसी गरीब को दे दीजिए। जेमिनाई, मिथुन राशि वालों के लिए आज का राशिफल। तन मन धन की पोजीशन सुधरेगी, पूंजी निवेश के रास्ते, भले ही वो किसी भी दायरे में हो, स्पेकुलेशन में हो या प्रॉपर्टी में हो, कोई ना कोई गेनफुल स्थिति पैदा करने वाले होंगे, किसी रिश्ते को लेकर चली आ रही परेशानियों का, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का अंत होगा, परिवार के अंदर कोई खुशी दस्तक दे सकती है, किसी दोस्त के घर में कोई खुशी का आयोजन भी हो सकता है, किसी वाहन इत्यादि पे खर्चा भी हो सकता है, घर की साजो सजावट पे भी खर्चा हो सकता है, काम से रिलेटेड काम बढ़ेगा मगर आनंद कम होगा, डिससेटिस्फेक्शन बनी रहेगी, काम से रिलेटेड कोई यात्रा भी करने को मिल सकती है। 1x1 इंच का चांदी का टुकड़ा गंगा जल में धोकर के सारा दिन अपने पास रखिएगा, किसी गरीब मजदूर को काली दाल, कुकड दाल के साथ 5 रोटियां देना कल्याणकारी है। अब बात करते हैं कैंसेरियंस कर्क राशि वालों के लिए आज के राशिफल के।
समय कहता है काम को लेकर के, पैसे को लेकर हौसले बुलंद रहेंगे, कई नए काम के रास्ते बनेंगे, एडिशनल काम आपको मिल सकता है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है, यू मे बी वेस्टेड विद मोर पार्ट्स, वर्क वुड गेन गुड मोमेंटम, फाइनेंसिस वुड इंप्रूव, मतलब दिस इज द टाइम ऑफ मेकिंग गुड डिसीजन, ये समय ऐसा है, यू शुड लीव नो स्टोन अनटर्न, पुट इन द बेस्ट, ये समय ऐसा है जिसके अंदर जो प्रयास आप करेंगे काम को लेके, वो सफलता की ओर आपको लेके जाएंगे, आपका काम में मन भी लगेगा, काम में बेहतरी भी होगी और काम किया हुआ दिखाई भी देगा, जिसके इमीडिएट फ्यूचर इमीडिएट भी फायदे होंगे और आने वाले समय में भी फायदे होंगे, विदेश से संबंधित कामों में भी सफलता मिल सकती है, यात्रा आपके लिए मंगलमय साबित हो सकती है, समुद्र के नजदीक या समुद्र के पार की यात्रा भी आपके लिए फायदेमंद होने के योग बनते हैं, एंड विदेश से समाचार मिलने के बनते हैं योग अच्छे वाले, शाम को खूबसूरत बनाने के प्रयासों में मिलेगी सफलता। आज के दिन राहु स्त्रोत का पाठ करना या राहु कवच का पाठ करना आपके कल्याण में वृद्धि करेगा, एंड किसी क्रिपल्ड व्यक्ति को, पूर व्यक्ति को भोजन करवाना आपके लिए विशेष तौर पे फलदायी साबित होगा। लियोस, सिंह राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल। कोई चीज रख के भूल गए थे, चीज मिल जाएगी आपको, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है उसके नए नए तरीके आपको मिल जाएंगे, अच्छे सुझाव किसी के मिल जाएंगे जिसके ऊपर काम करके आपको अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ होगा और जमीन जायदाद से भी लाभ होगा, अकस्मात कहीं से बहुत अच्छी खबर आने के योग भी हो सकते हैं, अकस्मात फंसे हुए पैसे भी निकल सकते हैं, अकस्मात धन लाभ के योग भी हो सकते हैं, रिश्तों को लेकर के, किसी रिश्ते को लेकर के मन बेहद खुश होगा, किसी रिश्ते को लेकर थोड़ा सा मन अशांत भी हो सकता है, इसके लिए क्या करना होगा, आज किसी गरीब कन्या को दो क्रंची चॉकलेट देना, दो फल देना और दक्षिणा देना, और गणेश जी के चरणों में दो लड्डू, दो इलायची, दो लौंग चढ़ाना कल्याणवर्धक साबित होगा। वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए आज का राशिफल। फाइनेंशियल फ्लो बढ़ेगा, आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, लेन देन के मसले आपकी इच्छा के मुताबिक निपटेंगे, लव बर्ड्स के लिए समय बहुत बेहतर साबित होगा, प्रेम के रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और प्रेम को अच्छे मुकाम पे लेके जाने के प्रयासों में भी सफलता मिलेगी, यात्रा छोटी या लंबी कल्याण वाली होगी, एंड भूमि से संबंधित कामों में भी लाभ होगा, पूंजी निवेश के किसी भी दायरे में आप, किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए विशेष गेनफुल साबित हो सकती है, किसी भी बुजुर्ग लेडी की ब्लेसिंग्स, अगर वो बुजुर्ग लेडी गरीब भी हो, उसको भोजन खिला करके, फल दे करके या कोई वस्त्र दे करके आप आशीर्वाद ले सकते हैं, अच्छी भावना के साथ, यकीन मानिए बहुत फायदा होगा। अब बात करेंगे लिब्रंस तुला राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, प्रेमी युगलों के लिए समय महत्वपूर्ण साबित होगा, दोस्तों के साथ जो टाइम स्पेंड करेंगे यादगारी रहेगा और प्रोफेशनल फ्रंट पे भी चीजें बेहतर बनेगी, अगर कोई कोर्ट कचहरी में मसला चल रहा है, चीजें डिसीजन पे है, तो फेवरेबल डिसीजन होने की संभावना बढ़ सकती है, मान सम्मान बढ़ सकता है, कहीं ऐसी जगह पे जाना हो सकता है यहाँ पे आपको सम्मानजनक माहौल मिले, प्रभु भक्ति का दिन है, प्रभु कृपा का दिन है, आज आपको कोई अच्छा सम्मान ऐसा मिल जाना, ऐसी खुशी मिल जानी जिसकी आपको कदाचित उम्मीद ना हो, बस खर्चे सोच समझ के करें, इन्वेस्टमेंट कोई भी करनी हो बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, आटा और घी का दान, घी देसी हो, कोई भी हो, एडिबल ऑयल हो, कोई भी किसी गरीब को दे दीजिएगा, बैगर को नहीं, किसी गरीब जरूरतमंद को दीजिए। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए
आज का राशिफल। सेहत सुधरेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अंदाज के अंदर बेहतरी बनेगी। अगर किसी क्रिएटिव फील्ड के साथ आप जुड़े हुए हैं, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, किसी डायरेक्शन के एक्टिंग के किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, या सरकारी किसी कार्य में कार्यरत हैं, आप अपने समय का बहुत लाभ अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। आपको बहुत अच्छे फैसले भी आज आप ले पाएंगे, आपके फैसले सराहनीय भी रहेंगे। जुडिशरी वाले लोगों के कोई बहुत अच्छा फैसला आज आप ले सकते हैं जो बहुत सराहनीय होगा, जिसका जनता के अंदर वाह वाह होने की संभावना हो सकती है। पारिवारिक खुशियों के अंदर इजाफा हो सकता है, परिवार के साथ मिलकर लिए गए फैसले आपको व परिवार को खुशियां देंगे। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार। वर्क प्लेस पे एक्टिव एंड अटेंटिव रहना और अपना काम किसी पे ओवर डिपेंडेंट ना होना, आपका स्ट्रॉन्ग फॉलो बना के रखना आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। दो किस्म की मेडिसिन दो डिफरेंट लोगों को डोनेट करना कल्याणकारी है। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस धनु राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। रिश्तों को लेकर के उलझने खत्म होंगी, क्लैरिटी बढ़ेगी, आपका मन आनंद से भरेगा, कोई खुशी आपको इनएक्सप्लेनेबल हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी पैसे का फ्लो बढ़ने से आपके काफी झंझट परेशानियां खत्म हो सकते हैं, लेन देन के परेशानियां खत्म हो सकती हैं, पूंजी निवेश के आपको बड़े अच्छे तरीके मिल सकते हैं। बस वाहन इत्यादि को संभल करके चलाएं, ट्रैफिक वायलेशंस का ध्यान रखें एंड गारंटी किसी की देने से परहेज करें, और अपना काम के मामले में डिपेंडेंसी ओवर डिपेंडेंसी अच्छी नहीं रहेगी। पार्टनरशिप के कामों में तो बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। आपको क्या करना होगा कि किसी भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कहते हैं कि जिसकी एक कोई वायु कटी हुई है, किसी की एक टांग कटी हुई है और बहुत ही पुअर व्यक्ति है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया है लेकिन उसके जिसको उसके कोई रॉड्स पड़ी है या उसका कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ है मगर उसका कोई बेसहारा व्यक्ति है, आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसे व्यक्ति की अगर आप मेडिसिन से मदद कर देते हैं और भोजन से मदद कर थोड़ी सी केयर उसकी बढ़ा देते हैं, प्रभु आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए आज का राशिफल। मान सम्मान यश के अंदर बढ़ोतरी होगी, अच्छी चीजों पे खर्चे होंगे, काम को अच्छे मुकाम पे ले जाने के प्रयासों में मिलेगी सफलता। प्रेमी जोड़ों के लिए समय बहुत उत्तम साबित होगा। विदेश से संबंधित कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। यात्रा छोटी या बड़ी, छोटी या लंबी, गेनफुल स्थितियां देने वाली होगी। लेन देन के मामलों में एहतियात बरतें, थोड़ा सा संकुचित होकर के खर्चे करें और अपने पारिवारिक मामलों के अंदर अपनी पेशेंस को, अपनी शांति को बेहतर बना के रखें और अच्छे लिसनर बन के चले। थोड़ा सा परिवार आपका प्रॉपर अटेंशन एंड नर्चरिंग मांग सकता है। आपको शहद व गुड़ का जो दान है किसी गरीब को देना या फिर धर्मस्थल में देना, जैसा संभव हो सके, कल्याणकारी साबित होगा। अब बात करेंगे अक्वेरियंस कुंभ राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम व पैसे को लेकर के हौसले रहेंगे बुलंद। टेम्पर लूज कर सकते हैं, अग्रेशन पे, टेम्परामेंट पे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, वादों विवादों से बच के चलें।
जिस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है उसके साथ बहस में बिल्कुल मत जाइएगा। इवन अदरवाइज कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करके चलना आपके हित में रहेगा। नो डाउट काम में मन भी लगेगा, काम में किए गए प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न भी होंगे, तो आज आपका वर्क फोकस जितना भी होगा उतना ही फाइनेंशियल आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। बस किसी न किसी रिश्ते को लेके कुछ बेचैनी बॉदर कर सकती है, कुछ वर्कहोलिक होने के कारण थोड़ा सा हेल्थ पे नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में शाम आपकी बहुत बेहतर बनेगी। ऑल ऑफ सडन किसी पुराने व्यक्ति से, कोई पुराने जानकार, को ऐसा ऐसे अक्वाइंटेंसेस आ सकते हैं जिनके साथ मिलकर के आप अपनी खुशियां शेयर कर सकते हैं या अपने पुरानी बातें याद करके आनंदित हो सकते हैं। चांदी के बर्तन में पवित्र जल भर के घर में उत्तर दिशा में रख दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कुछ गरीब लोगों के अंदर गुलाब जामुन किसी भी रंग की हो बांट दें। अब बात करेंगे पाइसियंस मीन राशि वालों के लिए आज के राशिफल के। समय कहता है घर परिवार के अंदर खुशियां बढ़ेंगी, कोई परिवार का मेंबर विशेष खुशी का कारण बनेगा। यात्रा के लिहाज से समय उत्तम साबित होगा। जमीन जायदाद से संबंधित लटके हुए काम होंगे, कुछ चीज रख के भूल गए थे, चीजें मिलने की संभावना बढ़ेगी। चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखने में भी आप अपनी स्किल्स का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। इवन आपका कोई कंप्यूटर में सामान कहाँ पड़ा हुआ है, मोबाइल में कहाँ पड़ा हुआ है, उसको भी आप ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ी स्किल का काम है, बड़ी मेहनत का काम है, उसको भी आप करेंगे। कोई फाइल कहाँ पड़ी है, कोई कहाँ पड़ी हुई है, अगर अच्छे फोल्डर बना करके उनके अंदर आप डाल देंगे, उनको अच्छा नाम दे करके आप डाल देंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कहीं से अकस्मात धन लाभ हो सकता है, फंसा हुआ पैसा निकल सकता है, अपनी पूंजी निवेश का कोई नया रास्ता खुल सकता है, मान सम्मान बढ़ सकता है और सेहत के प्रति जागरूकता सेहत के अंदर बेहतर सुधार लेके आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। केसर का तिलक लगाइएगा, घर से बाहर जाते समय नाक साफ करके जाइएगा और पीले फल पीले फूल प्रभु के चरणों में चढ़ा करके किसी गरीब को दे दीजिएगा। फूल प्रभु के चरणों में पड़े रहने दीजिए, फल किसी गरीब को दे दीजिएगा। ओम नमो श्री गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा और साथ में गायत्री कवच का पाठ कीजिएगा। दशको ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग, जिसके अंदर हमने दैनिक राशिफल की चर्चा करी, आज के हॉरोस्कोप की चर्चा करी, क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या सुझाव आपके लिए हैं, सब चीजों की चर्चा हमने करी जो अक्सर हम करते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर यह प्रोग्राम पसंद आया तो उसको लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अब मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। कल मैं फिर ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम आज का राशिफल आज का पंचांग में आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।